जिया अली, किरण, नताशा एंड जोहरे, ये चारों बिल्कुल मगन है, बात ही लिफ्ट ही नहीं करा रहे ना, ये अपने मेकअप्स में बिल्कुल मगन है। और आप थोड़ी सी लिफ्ट करा दो क्योंकि जोहरे तुम मुझे बताओ कि तुम खुद अपना जो बेस लगाती हो वो कौन सी ब्रांड ज्यादा तुम प्रेफर करती हो? मैंने 5-6 मिक्स की हुई है। अच्छा, 5-6 मिक्स की हुई है, क्योंकि मैं पहले सिर्फ जॉर्जिया लगा रही थी, लेकिन वो मैंने देखा, नोट किया कि यहाँ के वेदर क्लाइमेट कंडीशंस पे सूट नहीं करता था, शूट पे लास्ट नहीं करता था। अच्छा, तो अब मैंने ये किया है कि मैं मुसर्रत में इस बार जॉर्जिया मानी, 2-3 और फाउंडेशंस मिक्स कर मिक्स एक मैंने अपना बना लिया। आई विल शो यू। अच्छा, कि तुमने पूरी अच्छा मिक्स कर लिया इस तरह? मैंने अपना ना इस तरह करके बना लिया, तो अब मैं ये डायरेक्टली बहुत थोड़ा सा लगा के कवरेज। ब्राइड को भी तुमने यही लगाया? हां, यही लगा, क्योंकि स्किन भी तुम्हारी टाइप की साफ सुथरी सी। अच्छा, और अगर आपकी स्किन जैसे थोड़ी से मार्क्स हो या कुछ। अच्छा, कौन कौन सी मिलाई है तुमने? मुसर्रत मिस्बाह, जॉर्जी अरमानी, कपल ऑफ मोर, आई थिंक मैक भी डाली थी, थोड़ी सा मार्क्स भी डाला था, फेंडी ब्यूटी डाला था, बहुत कुछ डाला था। उसने कहा जो जो जिस जिसकी अच्छी चीजें ना कोई ना कोई आ ही जाए, सबका कॉम्बो। और अगर आपकी स्किन पे थोड़े से मार्क्स है या दाने या कुछ भी है, तो ये मुझे वकार ने बहुत अच्छी चीज बताई है, इट्स कॉल्ड डर्मा 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 या, या, या। ये आप लगा लो, ये क्रीम बेस्ड होता है, इससे आपकी ये लास्ट भी बहुत लंबा करता है। अच्छा, और ये ऐसी इसका नाम है कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज हो जाता है मुंह पे बिल्कुल। अच्छा, और ये तो इसको कहते हैं कि टैटू भी अगर हो तो वो भी, तो वो लेकिन तुमने अभी लगाई नहीं है क्या? ये मैं हल्का सा लगाती हूँ अंडर आई पे, और उसके बाद क्योंकि मेरी यहाँ पे लाइंस हैं तो मेरा सारा कंसीलर हट जाता है, तो इसकी वजह से फिर मैं शूट पे, क्योंकि HMIs होती हैं, लाइट्स होती हैं, इतनी हीट आ रही होती है, पंखे AC बंद होते हैं, तो फिर यही है जो मैं जो लास्ट कर पाता है। ओ, ये बड़ा अच्छा आइडिया, दिखाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये ना बहुत ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ पे मेहंदी है ना, तो अब मैं इसको बहुत थिन लेयर लगाऊंगी ब्लेंड करके, एंड अब इसके ऊपर जब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी ना, तो वो फिर कवर लगा के दिखाऊं, करके दिखाऊं, करो, क्योंकि क्योंकि जैसे मेरे साथ भी होता है, मेरी आंखें बहुत ड्राई है, मेरी आंखें कमजोर है, तो मुझे भी ये होता है मैं दुनिया जहां के कंसीलर्स लगा लूं, लेकिन लाइंस आ जाती हैं। अभी मैंने इसके 2 घंटे में ये फाउंडेशन लगाया ना, तो थोड़ा सा सिरम ऐड करके, सिरम अच्छा रहेगा, स्टे करेगा सिरम, तो लाइफ सेवर है, लाइफ सेवर, लाइफ सेवर, वाइटामिन सी सिरम, वो तो अच्छा भी है आंखों के लिए, मतलब लाइक डार्क सर्कल्स के लिए। मुझे तो डॉक्टर रेशल ने प्रमोशन के लिए भेजे थे, बहुत अच्छे थे, और इतने मैं तो हमेशा मेकअप से पहले, रात को सोने से पहले वाइटामिन सी डी जितने भी है ना ये सीरम्स, वो भी मिक्स करके लगाती हूँ। हाँ, वो भी मिक्स करके लगाती हूँ, वो भी मैंने, और मैंने पता है वो पानी की बॉटल में डाल लिया है, वो मैं स्प्रे करती हूँ, क्योंकि आप हर वक्त सीरम को हाथ पे तो ऑयली टेक्सचर, तो वो मैं पानी के साथ, बड़ा अच्छा आइडिया, क्या क्या तुमने किया पानी में, सारे सीरम डाइल्यूट कर दियो स्प्रे के साथ मुंह पे, गुड आइडिया, इट कीप्स योर स्किन फ्रेश ऑल डे लॉन्ग। विटामिन सी का सीरम, हाँ, जो भी सीरम जी या जो भी है, तुम वो पानी के साथ डाइल्यूट करके लिक्विड सीरम्स आप डाल लें, हाँ, और वो फिर आप मुंह पे, आप कितनी फ्रेशनेस की, वही देखो ना, मैंने कहा कि किसी ने आपको नहीं पता, हाँ, देखिए छुप गया, आपको नहीं पता किसी से आपको क्या है, इस तरह से ना, अब ये मैं इस पे ट्रांसलूसेंट पाउडर मारूंगी, तो ये बिल्कुल ये फाइन लाइंस भी दिखना बंद हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि वो ट्रांसलूसेंट है ना, फाइन लाइंस पे जाके बैठ जाता है, तो वो फाइन लाइन की डिटेल भी खत्म हो जाती है, जो हमारा अंडर आई का बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये है कि ज्यादा बड़ी उम्र की खवातीन या यंग लड़कियां, कोई एज रिस्ट्रिक्शन है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉर्जिया अरमानी का मैं यूज करती हूँ लुमिनस सिल्क ना, लुमिनस सिल्क, लेकिन आज से 10 साल बाद शायद मुझे पावर फैब्रिक यूज करना पड़ेगा, बिकॉज पावर फैब्रिक अपलिफ्ट करता है, लुमिनस सिल्क से सिल्कनेस एंड ल्यूमिनोसिटी लाता है। अच्छा, अरमानी का, जॉर्जिया अरमानी का एक लिफ्ट भी तो आ गया, लिफ्ट लिफ्ट, जैसे मैं अरमानी लिफ्ट यूज करती हूं, पावर फैब्रिक, पावर फैब्रिक इज डिफरेंट एंड दिस न्यू लिफ्ट इज डिफरेंट। हां, ये आपने मुझे बताया था, मेरे ख्याल से मुझे इन्होंने ही बताया था कि वो यूज करो, वो बहुत मैंने तो यूट्यूब को छान के ये सब नॉलेज ये, मुझे जोरे से सीखने को मिली बात कि मुसर्रत मिस्बाह
जॉर्जियो अर्मानी, नाहर फेंटी ब्यूटी और पांचवा कौन सा था? कोई भी, मैंने एक मिलान से लिया था जब मैं पढ़ रही थी, वो मैंने क्यूज ही नहीं किया, तीन साल तक पढ़ा रहा, तो वो खराब नहीं होता? नहीं, वो खोलो नहीं तो खराब नहीं होता, तो शेल्फ लाइफ होती है, तो वो मैंने डाला है, तो वो भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो तुमने क्या फिर उसके बाद तुम वो चेक करती रही कि क्या टेक्सचर अच्छा था? ये मेरा लेंसेस का स्पैचुला था, ये मैंने टूल भी बनाया क्यूट सा, इससे मैं मिक्स करती हूं। क्यूट, और फिर से आराम से अप्लाई भी हो जाता है। तो दैट्स रियली क्यूट ना, एंड ये पोर्टेबल भी है शूट पे। थैंक यू सर। ओ वाओ, शूट पे भी जरूरी है कि आप छोटी छोटी आपके पास चीजें, वरना इतना सारे बेसिस जब मैं लेके बैठूंगी मेरे डायरेक्टर को, तो आधा तो उसका दिल उसी पे रुक जाएगा कि ये कलेक्शन देखो मेकअप कितनी देर में होगा, लेकिन जल्दी हो जाता है बहुत। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आप सब देख रही है, इसने बेस अप्लाई की हुई है, अभी आई मेकअप पे नहीं पहुंची है। मैंने सब कुछ कर लिया एक्सेप्ट आई मेकअप एंड लिपस्टिक। अच्छा, और मैं हल्का सा शिमर ब्लश ऑन स्क्रीन भी वो एंड में, मैंने कहा अभी ज्यादा पिंक ना कर दूं ना इसको। ऑन स्क्रीन सब कह रहे हैं कि बेस बहुत अच्छी आ रही है तुम्हारी, लाइक वेरी गुड, उसकी अपनी क्रिएशन देखो, नथिंग लाइक इट, वेरी नाइस। इसने वो वही वाला काम किया जो हम लोग, मैं पता है क्या करती हूँ, अपने हाथ में मेरे होता है मिक्सिंग पैलेट होता है, उसमें लिया, उस पर ये भी डला हुआ है, वो भी डला हुआ है, सब को मिक्स किया और वो अप्लाई कर दिया आपने। बिल्कुल, तो मेरी बहन ने मुझे एल्फ का एक बहुत क्यूट सा दिया भी, उस पर हार्ट बना हुआ है, तो वो कहती है आप ही आप ये पहन के कर लिया करें, आपको पूरे हाथ पे बेस इधर उधर होता है। एग्जैक्टली, मेरे पास भी अब मैंने वो एक ले लिया, एक स्क्वायर है वो रिंग वाला, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया हाथ में पहनने के लिए होता है कि वो, और एक रिस्ट वाला भी है मेरे पास, वो रिस्ट में डाल लिया, वो एक्रेलिक का है, तो वो बेस नहीं लगती फिर, वो बेस हाथ पे जाते, बट आई थिंक हाथ पे लग जाए अच्छी है, हाथ भी आपकी इवन टोन के हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, आई मेकअप तुम कौन सा यूज करती हो? आई मेकअप में आई हैव अ लॉट ऑफ कलेक्शन, बट आज मैं सिर्फ ये लाई हूँ, द म्यूट न्यूट पैलेट एंड द जैकलिन हिल पैलेट। अच्छा, जैकलिन हिल भी बहुत अच्छा है, इसका जो कलर पिगमेंट है ना, ये दिखाओ ऑन स्क्रीन, दिखाओ जैकलिन हिल की, ये नंबर वन नंबर टू दोनों दोनों बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आई वांटेड बोथ ऑफ देम, बट लकीली मुझे सिर्फ ये मिला है, तो मैंने कहा चलो कुछ तो मिला। और ये एंड दिस इज द हुदा ब्यूटी, इस पैलेट के बगैर तो आई कैंट लिव, बिकॉज़ शूट पे आई यूज दीज थ्री कलर्स, विच सबसे पहले अंडर सॉकेट पे ये लगाते हैं इधर, और फिर ये वाला इधर, और फिर ये वाला ब्रॉन्जर से एज देना, तो वो बिल्कुल नेचुरल लुक, स्मूथ सी आती है, एंड बिकॉज दीज आर शिमर्स, तो ये देखिए कितना मतलब अच्छा सा इसका ब्लेंड है। मैं ये हैरान हो रही थी कि तुम अगर अपने शूट्स के लिए, ड्रामास के लिए शिमर यूज करती हो तो वो ठीक लगता है, लेकिन ये ब्लेंड इतना नेचुरल होता है ना कि वो उनको पता भी नहीं चलता स्क्रीन पे। हाँ। और आँख खुल जाती है। हाँ। अगर मैं ये ना लगाऊं ना, इवन के इसमें भी है, लेकिन इससे वो आँख नहीं खुलती जो। अच्छा, पहले पता है क्या, मेरी आँखें भी अगर मैं हल्का सा शिमरी शेड लगा लूँ ना, तो मेरी आँखें भी एकदम खुल जाती। कुछ आँखें होती है ऐसी शिमरी शेड लगा के एकदम खुली खुली आँख बड़ी बड़ी लगने लगती है। बिल्कुल, कुछ आईज पे बहुत अच्छे लगते हैं शिमरी कलर्स, और कुछ आईज ऐसी होती है जिन पे बिल्कुल नहीं, जिन पे मैट ही मैच ही जाता है, उन पे उनकी पे बहुत जुरिया वुरिया बहुत आने लगती। बिल्कुल बिल्कुल, वो वाली चीज होती है, क्योंकि जब आई के ऊपर बहुत फाइन लाइंस हो और आपने जरा से भी शिमरी ग्लिटरी ऐसी चीजें लगा दी, तो वो आपके बिल्कुल ही एनहांस हो जाता है, बहुत एनहांस करता है। अच्छा, ब्लश ऑन्स कौन से तुम ब्रांड के यूज करती हो? ब्लश ऑन्स अभी मेरे पास ये चाइनीज प्रोडक्ट है, बट इट्स रियली गुड बिकॉज़ आई लाइक द कलर, मेरे कलर हर, ये कलर हर ब्रांड में नहीं मिल रहा होता, सिर्फ टार्ट में मुझे मिला है, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये वाला, सिर्फ टार्ट में मिला है, टार्ट में मिल गया, टार्ट में मिला है बस, और कोई किसी ब्रांड में मैं ढूंढ ढूंढ के सफोरा थक गई, पर मुझे ये कलर नहीं मिलता, बहुत मुश्किल। सफोरा के अपने कलर्स में मिल जाता है, लेकिन उसकी पिगमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं होती। पहले ये कलर आया करता था सिर्फ एक ही ब्रांड के अंदर, एट्यूड। सही कह रही है, बिल्कुल, क्या वो पिंक होता था, क्या कमाल, और इतना वो कलर का इतना इतना जर्रा भी जो है वो फेंकने वाला नहीं था, बस ब्लश ऑन लगाया। याद है जी, ये वो वाले टाइम से जब शूट, नहीं मैं कह रही हूँ ये वो वाले टाइम से जब हम सब साथ काम किया करते थे, शूट अचानक से रुक गया था वो, लेकिन एट्यूड का पाउडर मैं समझती हूँ कि अभी भी बहुत फ्लॉलेस है। वैसे एक बार बताओ, एट्यूड इज वेरी वेरी गुड ब्रांड, आप लोग पहले जमाने में वो यूज करते थे। मैंने अपने करियर जब स्टार्ट किया था, एट्यूड कराजा, एट्यूड उसके नो डाउट कराजा की लिपस्टिक 108
52 मेरी हॉट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।